जो कृपाशील है। हाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ अपनी किताब लेकर भगवत गीता कुरान के प्रकाश में हाजिर हुआ हूँ। भाई साहब कहा कि आज सारा विश्व, सारी दुनिया कैसे खुशी मिले जीवन में, कैसे हम शांतिपूर्वक रहें, हमारा मन कैसे शांत रहे, कैसे हमारा स्ट्रेस दूर हो, इसकी कोशिशें जारी हैं हर जगह, जिसमें ब्रह्म कुमारी प्रजापति भी बहुत बड़ा सहयोग कर रही है इस कार्य में। मैंने भी जो अपनी गीता का अनुवाद किया, वो उसका कारण भी यही है कि असल में लोगों ने खुशी शांति की तलाश में अजीब अजीब रास्ते तलाश किए, जबकि खुद गीता में कहा गया है, सर्वधर्मान प्रतज्ञय माम एकम शरणम व्रज अहम तमाम सर्वपाप भय मोक्षयिष्यामि मां सुचा, कि सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो, हर धर्म को छोड़ दो, हर एक को छोड़ दो, सिर्फ मुझ एक प्रभु परमात्मा की भक्ति करो। अगर जब हम एक प्रभु परमात्मा की भक्ति करते हैं, तभी हमें शांति प्राप्त होगी और ईश्वर हमारे तमाम पापों को से मुक्त कर देगा। जितने भी भय और शोक हैं, वो भी सिर्फ एक प्रभु परमात्मा की याद से ही दूर होगा, क्योंकि कुरान करीम में भी कहा गया है कि अला बिज़िक्रिल्लाही तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक खबरदार और खूब जहन में रखो, अल्लाह कहता है कि सिर्फ एक प्रभु अल्लाह की ही याद से जीवन में शांति मिलेगी और दिलों को सुकून मिलेगा। आगे जाके गीता में कहा गया कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर एक तो है, हमने देख लिया कि सर्वधर्मान प्रतिज्ञ माम एकम कहा गया, एक ईश्वर है, मगर वो है कैसा। तो 9वें अध्याय में ये कहा गया कि मय ततम इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानी नाचाम ते स्वस्थित, मुझ बिला मूर्ति बेमूर्ति के ईश्वर ने ही इस सारे संसार का निर्माण किया है, और जितने भी मानव जाति देवता फरिश्ते और पशु पक्षी प्राणी हैं, सब मुझसे स्थित हैं, और मैं किसी से स्थित नहीं हूँ, सबको मैं खिलाता हूँ, सबको मैं पिलाता हूँ, सबकी रचना मैं करता हूँ, मगर मेरी कोई मूर्ति नहीं है। यही बात जो है कुरान में भी कही गई है कि कुल अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, कह दो कि मैं केवल एक हूँ, मैं एक हूँ, अब मेरा कोई माँ बाप नहीं, अब मेरा कोई बेटा नहीं, मेरे कोई औलाद नहीं, और मैं किसी के जैसा नहीं हूँ, मैं अनुपम हूँ। दोनों बातें दोनों ग्रंथों में ईश्वर ने एक ही बताई है कि वो एक है, और उसके तमाम विशेषण भी गीता कुरान में एक समान ही है। मगर क्या कहना कि हम जो अशांत हुए तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम उस एक प्रभु परमात्मा, प्रभु कह रहा है कि सर्वधर्मान प्रतिज्ञय माम एकम शरणम, सबको छोड़ दो, मेरे सहारे रहो, मगर हम लोगों ने मानव जाति ने किया कि सबको पकड़ लिया और उसे ही छोड़ दिया। यही बात बहुत मुझे खुशी की बात है कि ब्रह्म कुमारीज में भी यही है कि भाई श्री राम जी, श्री कृष्ण जी और अन्य जो देवता हैं वो बहुत आदरणीय है, बहुत आदरणीय है, उनका आदर तो करने, मगर भक्ति सिर्फ एक ही होगी, वही अल्लाह, जिसे गीता में कहा गया है ओम, जिसे कहा गया है ब्रह्म, उसी एक की होगी, क्योंकि वही है अजन्मा अविनाशी और सब दयालु कृपाशील है। सूरह फातिहा में कहा गया, जब कुरान शुरू होता है, कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु वइय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अन'अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, के तमाम स्तुति उस एक परमेश्वर अल्लाह की ही है, और वो तमाम ब्रह्मांड का रचयिता है, बहुत दयालु कृपाशील है, और पूरी मानव जाति कहती है कि हम सिर्फ केवल तेरी ही भक्ति करते हैं और तुझसे ही सहायता चाहते हैं। अरे प्रभु, हमें सीधा रास्ता दिखा, शांति का मार्ग दिखा, ऐसा ना हो जो तेरे क्रोध का रास्ता हो। यही हम हर वक्त मांगते रहते हैं तमाम मानव जाति, और मुझे खुशी है कि मैं इस इजलास में जो यहाँ आया हूँ सेमिनार में, ये ख़ास एक प्रभु और एक परमात्मा अल्लाह और शिव, जिन्हें आप हिंदी में कहते हैं कि भाई वो अल्लाह का ही बिल्कुल वो है नाम है, तो ये उसी के लिए ये पूरी सेमिनार आयोजित किया गया है। मैं बहुत काबिल मुबारकबाद हैं ये लोग,